उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जिंदाबाद जिंदाबाद। जय उत्तराखंड। वैसे मुंडन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पहाड़ों की खबर, चंदूर क्षेत्र की खबर, खबर देहरादून से। जैसा कि आपको पिछली खबर में दिखाया कि उमेश खंडूड़ी जी, जो उत्तराखंड क्रांति दल के युवा नेता है, ने कल भू कानून को लेकर धरना प्रदर्शन किया। आज उसी के रोष में उत्तराखंड क्रांति दल के युवाओं ने देहरादून के अंदर पुतला फूंककर सरकार का विरोध किया। आपको बताते चले, उत्तराखंड में भू कानून की मांग आज की नहीं है। उत्तराखंड क्रांति दल के मैन्युफैक्चरों में भू कानून हो, जल जंगल जमीन की बात हो, उनके 1980 से मैन्युफैक्चरों में, वह अलग बात है कि उत्तराखंड क्रांति दल ने इन मुद्दों को 2000 के बाद उठाना थोड़ा बंद कर दिया था, क्योंकि उनकी पार्टी कभी सत्ता में नहीं रही और टूटने के कारण यह सत्ता से बाहर रही। लेकिन अब क्योंकि उत्तराखंड के जल जंगलों का मामला है, पार्टी ने अपने मुद्दों को हवा देनी शुरू कर दी है। इसके खिलाफ उत्तराखंड क्रांति दल के युवा देहरादून की सड़कों में उतरे, सरकार का पुतला फूंका। देखिए हमारे सहयोगी वेणीराम उनियाल जी की यह रिपोर्ट। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमको चाहिए भू कानून, भू कानून, भू कानून। हमको चाहिए भू कानून, भू कानून, भू कानून। भू कानून, भू कानून। उत्तराखंड की एक मांग, भू कानून, भू कानून। तो आपका जो आज का प्रदर्शन है, वो क्या मांग लेके है, किस विषय में आज का प्रदर्शन ये आपका? हमारा आज श्रीनगर पे गोला पार्क में जो आज ये प्रदर्शन किया गया है, तो ये हमारी मांग है कि कल जो घटना देहरादून में घटी, हमारी मातृशक्ति के साथ में और हमारे उमेश खंडूड़ी जी उनके साथ में थे, तो ये कहीं ना कहीं एक शर्मसार, वही कल उत्तराखंड का पूरी शर्मसार वाली घटना जो कल हुई है। मैं चाहूंगा कि जो बीजेपी सरकार है, ये चाहती है कि यहाँ का क्षेत्रीय दल जो है हमारा सत्ता में ना आए, और जो अधिकार की बात है, ये हमारा मूल अधिकार है। हम ये भू कानून की हम बात कर रहे हैं, 1950 की है, हम जो मूल निवास की बात कर रहे हैं, चकबंदी की बात कर रहे हैं, तो इनको क्या लगता है ये राजनीतिक है? ये राजनीतिक नहीं, ये हमारी पूरे उत्तराखंड की मांग है, युवाओं की मांग है, मातृशक्ति की मांग है। कमेटी बना के, और जो कल घटना घटी, मैं आपको ये भी बता दूं, ये बीजेपी का एक जो चेहरा है, ये साफ दिखता है, और पूरा उत्तराखंड क्रांति दल इसकी घोर निंदा करता है। और इनको जो सत्ता में बैठी हमारी बीजेपी सरकार उत्तराखंड में, इनको माफी मांगनी चाहिए। कल इन्होंने एक बहुत बड़ा जो शर्मसार जो घटना हुई है, पूरा उत्तराखंड से हाथ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, आज आपका प्रदर्शन किस विषय में? ये भू कानून को लेकर आज हमारा प्रदर्शन था, और पूरे राज्य में भू कानून को लेकर एक मुहिम छिड़ी हुई है। और इस प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि उत्तराखंड क्रांति दल ही केवल भू कानून को इस प्रदेश में लागू कर सकती है, क्योंकि इस प्रदेश की जो जननी है उत्तराखंड क्रांति दल है। और जिस तरीके से उत्तराखंड क्रांति दल के जो केंद्रीय नेताओं के द्वारा देहरादून में जब विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, तो पुलिस के द्वारा जबरन उनको गिरफ्तार कर दिया गया, इसी सिलसिले में आज हमने विरोध प्रदर्शन कर दिया। तो आप जो इसके मतलब आप क्या चाहते हो, क्या आपकी सरकार से मांगे? राज्य सरकार हिमाचल की तर्ज पर ही उत्तराखंड में भू कानून लागू करे, अन्यथा ये प्रदर्शन केवल अभी एक ट्रेलर है। और हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर तहसील में इस तरीके के विरोध प्रदर्शन कुछ दिनों में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। मेरा नाम गौरव सिरोही, मैं नगर सचिव। तो जो आपका प्रदर्शन था, वो किस लिए था यहाँ पर आपका प्रदर्शन? जो हमारा था मेन, जो हमारा आज का प्रदर्शन करने का मुख्य रीजन था, वो था मिस्टर खंडूड़ी जी, जो कर्णप्रयाग विधानसभा से हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के, उस कारण हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया। जो उन्होंने कल एक अनशन पे बैठे थे देहरादून में भू कानून के लिए, मूल निवास 1950 के लिए, उन्हें वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी कुछ भी, उन्होंने ऐसा कुछ वहाँ पे हल्ला वल्ला नहीं किया था, नॉर्मली बैठे थे 4-5 लोगों के साथ, और उनको जबरदस्ती पुलिस के द्वारा, जो हमारी सरकार है अभी मौजूदा सरकार, उन्हीं के द्वारा, पुलिस द्वारा उनको बल का प्रयोग करते हुए उन्हें वहां से जबरदस्ती खदेड़ा गया, और हमारे 5-6 कार्यकर्ताओं को भी जबरदस्ती बस में बिठाकर खदेड़ा गया, तथा ये थाने में ले जाया गया। इनका पूरी जो सरकार है वो डर चुकी है कि भू कानून
क्या उनका कोई इलाज नहीं है, कमेटी बना दी है। धामी जी ने कहा है कि कमेटी बन गई है। कौन सदस्य हैं कोई अभी तक सामने नाम नहीं आया है। कब काम करेगी कोई उसकी गारंटी नहीं है, कोई उसका टाइम स्लैप नहीं दिया गया है कि कब ये कार्य पूरा करेंगे। ऐसे ही चलता रहा तो कुछ नहीं होगा। नगर संगठन मंत्री और जो आज हमारा प्रदर्शन है वो है भू कानून, जो सरकार ने जो भू कानून अभी तक जो भू कानून है वो बिल्कुल भी हमारे पहाड़ियों के हमारे उत्तराखंडियों के पक्ष में नहीं है। उस भू कानून को बदलने के लिए और माननीय श्री उमेश खंडूड़ी जी के पक्ष रखने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जो कल की अप्रिय घटना हुई, जो पुलिस द्वारा सरकार के द्वारा जो बलपूर्वक उनका धरना प्रदर्शन रोक दिया गया, उनका अनशन जो आमरण अनशन उन्हें रखा था उसको रोक दिया गया, उसके विरोध के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और हम लोग चाहते हैं कि सतत से सतत भू कानून यहाँ पर आए, मूल निवास 1950 यहाँ पर रहे, तो ये सब चीज़ों के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और हम सब पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा